हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं मूंग दाल और लोबिया की बड़ी, जिसके लिए हमने एक बड़े का मूंग दाल ले ली है। ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है। तो ये मूंग दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे हम 3 से 4 बार बहुत अच्छे तरीके से धोकर इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो ये मूंग दाल को हमने अच्छी तरीके से धोकर इसे पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख दिया है। अब हम लोबिया ले लेंगे। ये लोबिया को भिगाने के लिए हमने दूसरा बाउल ले लिया है। हमने 1 कप लोबिया लिया है। जितना हमने मूंग दाल ली थी उतना हमने लोबिया लिया है। तो यहाँ पर हमने साबुत लोबिया लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको लोबिया की दाल मिलती है तो आप लोबिया की दाल भी ले सकते हैं। हमने साबुत लोबिया लिया है। इसको भी हम अच्छे से धोकर भीगने के लिए रख देंगे। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मूंग दाल और लोबिया हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। मूंग दाल तो बहुत जल्दी भीग जाती है, लोबिया को थोड़ा सा टाइम लगता है और सारी चीजों का पानी हमने निकाल दिया है। तो अभी इनको हम पीस कर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, साथ ही मुझे आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग बड़ी किस तरीके से बनाते हैं और किस चीज की बनाते हैं। आपकी रेसिपी भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। और फ्रेंड्स, आप बड़ी ही नहीं, आप अपनी फेवरेट कोई भी रेसिपी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने दाल और लोबिया दोनों को पीस कर तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, इसको पीसते समय हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसे बिल्कुल सूखा पीसा है और इसे थोड़ा सा दरदरा पीसते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो ये दाल को अभी हम साइड में रख देंगे। और बड़ी में डालने के लिए हमने 2 बड़े साइज के टमाटर, थोड़ी सी अदरक और हरी धनिया ले ली है। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश आने वाली है, बारिश में धनिया और टमाटर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये वाली बड़ी आपके बहुत ही काम आएगी। आपको टमाटर और धनिया दोनों का फ्लेवर मिलेगा। तो ये सारी चीजों को अभी हमें पीसना है, मिक्सी जार में इसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने धनिया, टमाटर और अदरक लिया है। आपको लहसुन पसंद हो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ये टमाटर और धनिए को दाल के साथ भी पीस सकते हैं। हम यहाँ पर अलग पीस रहे हैं क्योंकि दाल को हमने रात में ही पीस लिया था। गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, अगर हम टमाटर एक साथ पीस देते तो दाल काफी ज्यादा खट्टी हो सकती थी, इसलिए हमने इसमें नहीं पीसा था। तो टमाटर का पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है। दाल को अभी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना है। इसके लिए हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे। जिस तरीके से आप दही बड़े वाली दाल को फेंटते हैं, उसी तरीके से आप इस दाल को भी फेंट लीजिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग सर्दियों में बड़ी बनाते हैं। सर्दी में कभी कभी मौसम खराब हो जाता है या धूप ठीक से नहीं होती है तो बड़ी भी हमारी खराब हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बिल्कुल चिपकी चिपकी सी हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप इस समय बड़ी बनाते हैं तो बड़ियां काफी ज्यादा अच्छी बनती है। इसमें तेज धूप की जरूरत होती है, तो अभी तेज धूप भी हो रही है और बड़ियां 1-2 दिन में अच्छी तरीके से सूख भी जाती है। ये दाल को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है। दाल हमारी अच्छे से फिटी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप 1 गिलास में पानी ले लें, उसे थोड़ी सी दाल डाल दें। आप देख सकते हैं दाल ऊपर तैर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी दाल नीचे बैठ जाती है तो अच्छे से फिटी नहीं होती। अगर दाल ऊपर तैर रही है तो यानी कि आपकी दाल बहुत ही अच्छे से फिट चुकी है। तो ये दाल के अंदर हम 1 बड़े चम्मच तक गरम मसाला और साथ में 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी उड़द दाल और कद्दू की बड़ी की, तो उसी के लिए हमने ये गरम मसाला पीस कर तैयार किया था। वही वाला गरम मसाला हम इसमें भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया, थोड़ा सा सौंफ और जीरा को दरदरा कूट के डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें चिली फ्लेक्स और मसाला कम ही डाला है। आपको ज्यादा पसंद हो तो आप मसाला और मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रखा है। थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो दाल के अंदर हमने सारी चीजें डाली हैं, बस एक बार इन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल को हमने पहले ही अच्छे से फेंट लिया है, इसको अब फेंटने की जरूरत नहीं है। ये दाल को अभी हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, गर्मी में बड़ी बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि दाल को हमें बहुत ज्यादा फेंटना नहीं पड़ता। आप दाल को थोड़ी देर बाहर रख दें, खुद ही बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा डालेंगे। एक बार हम इसको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप दाल में नमक डाल रहे हैं तो नमक हमेशा लास्ट में डालें। अगर आप पहले नमक डाल देंगे तो दाल काफी ज्यादा गीली हो जाएगी, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो ये बड़ी बनाने के लिए हमने 2 थाली ले ली है। सबसे पहले हम इसमें अच्छे से तेल लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमारी दाल कम है तो हम थाली में ही बना ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप किसी साफ कपड़े या साफ पॉलीथिन पर भी डाल सकते हैं। ये बड़ी बनाने से पहले हम हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे। इससे क्या होता है कि मिश्रण हमारे हाथ में नहीं चिपकता है।
अब ये दाल वाला मिश्रण ले लेंगे और थाली में ये बरियों को तोड़ लेंगे। हम यहाँ पर थोड़े बड़े साइज की बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। ये बरिया हमारी तैयार हो गई है, इनको सूखने के लिए हम धूप में रख देंगे। फ्रेंड्स अभी धूप काफी ज्यादा तेज हो रही है, तो शाम तक ये बरिया इतनी सूख जाती है कि आप इनको पलट सकते हैं। तो ये बरियों को सूखने के लिए हमने धूप में रख दिया है फ्रेंड्स, इसे शाम तक हम पलट देंगे और 2 से 3 दिन अच्छे से धूप दिखाकर इन्हें हम किसी साफ डिब्बे में भरकर रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये बरियों को आप एक बार बनाकर साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बरी तैयार हो गई है, ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।